प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर। सभी को जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है जय हिंद रिएक्शंस पर। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए एक लेटेस्ट और एक दमदार वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आप देखेंगे कि NIA की टीम को पश्चिम बंगाल में TMC के नेताओं के घर से बहुत ही बड़ी तादाद में असला और बारूद मिला है। तो इसी मुद्दे पे आप देखेंगे भारत की मशहूर पत्रकार अंजू पंकज जी को, जिनके स्पेशल गेस्ट होंगी भारत की बेटी हिंदुस्तानी शेनी और सुप्रीम कोर्ट की दबंग वकील नाज़िया इलाही खान जी का दमदार इंटरव्यू। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगी, आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो इसे अंत तक देखें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपके लिए लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए पहले ये वीडियो देखते हैं और अंत में इसके बारे में बात करेंगे। जय हिंद जय भारत। क्योंकि कोई एक ऐसा नेता सामने नहीं आया जो वाकई में उनका मजबूत पिलर बन करके अभिषेक बैनर्जी के अगेंस्ट में खड़ा हो सकता था। क्यों शुभेंदु अधिकारी अभिषेक बैनर्जी के विरोध में खड़ा नहीं हो सकता था? अमिताभ चक्रवर्ती क्या अभिषेक बैनर्जी के अगेंस्ट में खड़ा नहीं हो सकता था? भारतीय जनता पार्टी से खड़ा होना चाहिए था। मैं तो शुभेंदु अधिकारी दादा को भी कहूंगी कि आपको आंखों में आंखें डाल करके अभिषेक बैनर्जी के अपोजिट में खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि सबसे ज्यादा भाईपो आपने कहा, आपने अभिषेक बैनर्जी का एक आइडेंटिफिकेशन दिया था कि वो भाईपो है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आपने अपने भाई को क्यों नहीं वहां से टिकट दिलवाया? आपने दोबारा वहीं से टिकट क्यों दिलवाया? आप क्यों नहीं खड़े हुए शुभेंदु अधिकारी जी? मैं आपसे डायरेक्ट पूछ रही हूं, क्या पश्चिम बंगाल के भारतीय जनता पार्टी में कोई भी एक ऐसा धाकड़ नेता, दबंग नेता नहीं था जिसको देखने से ही अभिषेक बैनर्जी को लगता कि हाँ अब टक्कर होगा, और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी लगता कि अब करेंगे दूध का दूध और पानी का पानी, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे? ये होना चाहिए था ना। अब आपके सवाल पर मैं आती हूँ। देखिए, श्रीमती ममता बैनर्जी साफ लफ्जों में कह चुकी हैं ईद की नमाज में कि वो संविधान नहीं मानती। अब वो ईडी को ब्लेम करे, वो एनआईए को ब्लेम करे, वो सीबीआई को ब्लेम करे, वो एनएसजी को ब्लेम करे, इसका कोई महत्व या इंपॉर्टेंस बनता नहीं है। अंजू जी, ईद की नमाज में 11 अप्रैल को उन्होंने खड़े होकर के कहा कि वो यूसीसी के खिलाफ है। अब अगर उनसे ये पूछा जाए कि आप कौन से कोर्ट में अपील कर रही हैं यूसीसी को नहीं लागू होने देने के लिए, आप कोर्ट में अपील क्या करेंगी कि आर्टिकल 44 श्रीमती ममता बैनर्जी लागू नहीं होने देंगी, संविधान का आर्टिकल 44 जो अंबेडकर जी का संविधान का आर्टिकल 44 है वो लागू नहीं होने देंगी अपने राज्य में, अपनी सरकार में? तो क्या कलकत्ता हाईकोर्ट या सर्वोच्च न्यायपालिका उनको समर्थन करेगा या उनकी अपील को एक्सेप्ट करेगा कि आर्टिकल 44 जो है वो रद्द किया जाएगा क्योंकि श्रीमती ममता बैनर्जी बोल रही है? नहीं करेगा, ना सर्वोच्च न्यायपालिका करेगा और ना ही कलकत्ता हाईकोर्ट करेगा या किसी भी कोर्ट को ये अपील एक्सेप्ट करने की अनुमति शायद नहीं होगी, या कोई भी कोर्ट स्क्रूटनी डिपार्टमेंट में ही इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा जैसे ही वो ये कहेंगी कि आर्टिकल 44 वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो जब वो अपनी जुबान से कह रही है ईद की नमाज में सर पे आंचल रख करके वो शरिया लॉ को समर्थन कर रही है राहुल बाबा की तरह, तो फिर ये सवाल ही नहीं पैदा होता है कि अरे वो तो सीबीआई पे इल्जाम लगा रही है, वो तो ईडी पे इल्जाम लगा रही है, वो तो एनआईए पर इल्जाम लगा रही है, वो तो केंद्र पर इल्जाम लगा रही है, वो तो एनएसजी पर इल्जाम लगा रही है। वो तो लगाएंगी क्योंकि श्रीमती ममता बैनर्जी तो शरिया लॉ मान रही है, वो तो आर्टिकल 44 नहीं मानती है, वो तो संविधान नहीं मानती है। ये बात तो उन्होंने भी क्लियर कर दिया है और भी क्लियर कर दिया है। लेकिन नाज़िया जी, मैं ये जानना चाह रही हूँ आपसे कि सीबीआई को कहीं से टिप मिला कि ऐसे हथियार हो सकते हैं फलां जगह पर किसी के घर के अंदर तहखाने में, इसलिए सीबीआई ने एनएसजी की मदद ली। इससे ममता को तकलीफ क्यों है? ममता को ये लग रहा है कि अगर वहां बम था तो मेरे यहाँ भी बम डिफ्यूजिंग स्क्वाड है, मेरी मदद क्यों नहीं ली गई, हमारी पुलिस को भरोसे में क्यों नहीं लिया गया? ये सारे सवाल ममता बनर्जी उठा रही है और शिकायत लेकर पहुंच गई है कि सीबीआई की इस रेड की टाइमिंग बहुत खराब है, चुनाव का मौसम चल रहा है और टीएमसी को बदनाम करने की कोशिश हो रही है। इस आरोप को कैसे देखती है आप कि हमारी पुलिस की मदद क्यों नहीं ली, जबकि हम देख चुके हैं कि शाहजहां शेख के मामले में उनकी पुलिस ने क्या किया था? देखिए, वो हमेशा अपनी पुलिस और अपनी सीआईडी का बार बार हवाला इसलिए देती हैं क्योंकि बम अगर होता भी तो उनकी सीआईडी या उनकी पुलिस ये कहती कि कुछ भी नहीं था, बच्चों की फुलझड़ी थी जो हमने नहीं सीज किया। अरे वो तो बच्चे जो है वो पटाखा दिवाली में जो फोड़ते हैं या शबे बारात में, क्योंकि मुसलमान के घर से निकला है, हफीजुल खान के घर से निकला है और शेख शाहजहां के समर्थक के घर से निकला है, एसोसिएट के घर से निकला है,
तो सीआईडी या उनका उनकी जो पुलिस थी वो कहती है फुलझड़ी थी, सुतली बम था जो दिवाली और शबे बारात में लोग फोड़ते हैं, बच्चे लोग फोड़ते हैं, इसीलिए हमने सीज नहीं किया। लेकिन अब क्योंकि एनएसजी आ गई, अब क्योंकि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट के यहाँ से बात आ गई, अब क्योंकि ऐसे ऐसे जगह से लोग चले गए हैं कि स्टेट की जो पुलिस और स्टेट की जो सीआईडी है उनका उनका बिल्कुल इंपॉर्टेंस ही नहीं है कि वो उनको इंटरप्ट कर सके या उनके काम को इंटरफेयर कर सके। अब क्या है कि ये लोग थोड़े से चालाक भी हो चुके हैं जो एनएसजी है या एनआईए है कि भाई यहाँ तो मारफाड़ भी हो जाता है और एनआईए के ऑफिसर के ऊपर रेप के केसेस भी हो जाते हैं, तो बड़ी ही सुविधाओं के साथ और बड़े ऑर्डर के साथ वो वहां पर पहुंचे हैं, तो स्टेट की जो पुलिस है वो इंटरफेयर और इंटरप्शन कर भी नहीं पाई है और जितने असला बम बारूद थे वो निकल के आ भी गए हैं। आपको क्या लगता है कि अगर यही एनएसजी की टीम अगर हाड़वा चले जाएगी तो नहीं मिलेगा? मिलेगा। उल्बेरिया चले जाएगी तो नहीं मिलेगा? मिलेगा। तोपसिया चले जाएगी तो नहीं मिलेगा? बल्कि इससे ज्यादा मिलेगा, मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से कह रही हूँ कि इससे ज्यादा मिलेगा। मुर्शिदाबाद जाएगी तो नहीं मिलेगा? इससे ज्यादा मिल जाएगा, इससे ज्यादा मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मात्र कस्बा और तोपसिया में एनएसजी की टीम एंटर कर जाए और बिना बोले तो इसका ट्रिपल गुना मिल जाएगा और सारे सारे मर्डर, सारे रेप और सारे बम बारूद असला के कारोबार, सारे इलीगल कंस्ट्रक्शन के कारोबार, सारे चमड़ा का राज, चमड़ा गोदाम का राज सब खुल के सामने आ जाएगा। और चलाने वाला भी कौन है? खान बाबा लोग है। तो देखिए, श्रीमती ममता बनर्जी को बुरा इस बात का नहीं लगा है कि उनके स्टेट की पुलिस या उनकी सीआईडी या उनके बॉम्ब स्क्वाड को नहीं बोला गया है, उनको बुरा इस बात का लग रहा है कि सारी चीजें मीडिया के सामने आ गई हैं और सब लोगों ने जिसको हमने छुपा करके 13-14 साल से रखा था वो सारी चीजें सामने आ चुकी और शेख शाहजहां जिसको अब तक देश के लोग बलात्कारी कह रहे थे, अब तो जिहादी भी कह रहे हैं, अब तो आतंकवादी भी कह रहे हैं, अब तो जंगजू भी कह रहे हैं। अब ऐसा ना हो जाए कि जितने खान बाबा और जितने शेख बाबा यहाँ पर बैठे हैं सबका चिट्ठा मिट्टा खुल जाए और सब जो तोलाबाज नाम टैग लगा हुआ है, जो चिटिंगबाज और स्कैमबाज टैग लगा हुआ है, वो कहीं जिहादी और आतंकवादी का टैग मुकर्रर ना हो जाए, स्टैम्प्ड ना हो जाए, इस बात का डर ममता बनर्जी साहिबा को है। पर एक चीज और जो मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि अभी जब कोलकाता हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि सीबीआई ही जांच करेगी जो कुछ संदेश खाली में हुआ है, महिलाओं का यौन उत्पीड़न हुआ है या वहां पर जमीनों पर कब्जे किए गए, सारे मामलों की जांच पड़ताल सीबीआई करेगी, बल्कि वहां पर तो सीसीटीवी कैमरा लगाने की भी बात कही गई थी कि 2 हफ्ते के अंदर लगेंगे, स्ट्रीट लाइट लगेगी वगैरह वगैरह, क्या ममता बनर्जी, और फिर उसके बाद ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई इसके खिलाफ, अभी 29 अप्रैल को इस मामले की सुनवाई भी होनी है, तो कुल मिलाकर आपको लगता है कि संदेश खाली का मामला जो है ममता बनर्जी के गले की फांस बन चुका है और ममता जानती है कि इस बार के चुनाव में इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, इसीलिए सारे टैंट्रम हो रहे हैं? देखिए, बहुत सारे ऐसे मसले हैं, ऐसे मामले हैं जो ममता बनर्जी के गले की हड्डी बन चुकी है। क्या आज तक नारदा शारदा रोजवैली चिटफंड ममता बनर्जी के गले की हड्डी नहीं है? बिल्कुल है। क्या ये जो अभी 2 दिन पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने 25,000 टीचरों को बातिल किया, क्या वो उनके उनके गले की हड्डी नहीं है? जो लोग सामने आकर के कह रहे हैं कि हमने ये नौकरी इतने में खरीदी थी और तृणमूल के नेताओं ने इतने में बेचा था, क्या वो गले की हड्डी नहीं है? क्या पश्चिम बंगाल में जितने भी बलात्कार हुए हैं या मास बलात्कार हुए हैं या मुसलमान लौंडों और लखंदरों ने बलात्कार किया है, क्या वो ममता बनर्जी के गले की हड्डी नहीं है? SSC स्कैम क्या ममता बनर्जी के गले की हड्डी नहीं है? टेट स्कैम क्या ममता बनर्जी के गले की हड्डी नहीं है? कोल स्कैम क्या ममता बनर्जी के गले की हड्डी नहीं है? तोलाबाजी क्या ममता बनर्जी के गले की हड्डी नहीं है? उसके बाद फिर इलीगल कंस्ट्रक्शन क्या ममता बनर्जी के गले की हड्डी नहीं है? क्या चमड़ा गोदाम में जो रहस्य चल रहा है वो ममता बनर्जी के गले की हड्डी नहीं है? तो ये सारी चीजें ममता बनर्जी के गले की हड्डी है। संदेश खाली में जो हुआ है और कंटिन्यू जो रहस्य जो है वो खुल खुल करके सामने आ रहा है, वो अब जाकर के अपफ्रंट आया है। अब जाकर के जो इल्यूजन में था उसको एक विजन मिला है, वो अब लोगों को दिखाई दे रहा है। हम यही बात जब पहले बोलते थे तो लोग इस बात को चर्चे में नहीं लाते थे, लोग इस बात पर कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं होते थे। हजार हजार चिट्ठियां हम डिपार्टमेंट को भेज देते थे, डिपार्टमेंट उस पर उनका कान बंद हो जाता था। अब जब वहां की मास औरतें उतर करके बताई कि उनका मास बलात्कार हुआ है, तब जाकर के डिपार्टमेंट को भी समझ में आया और मीडिया को भी समझ में आया। अब जब एनएसजी ने जाकर के अपने रोबोट के जरिया से बम उठा करके लाया है,
तो लोगों को समझ में आ रहा है, डिपार्टमेंट को भी और मीडिया को भी, कि अरे कुछ लोग तो सही बोलते थे। तो देखिए, मात्र एक संदेश खाली ममता बनर्जी के गले की हड्डी नहीं है। अगर वाकई में भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में स्ट्रांग है, तो मुझे लगता है कि जितने मुद्दे पश्चिम बंगाल में है, अगर अपोजिशन में ममता बनर्जी होती तो आज पश्चिम बंगाल जल रहा होता, आज पश्चिम बंगाल तप रहा होता, आज पश्चिम बंगाल में गाड़ी चलने की जगह नहीं होती अगर वो अपोजिशन लीडर होती, और ये सारे सारे स्कैम, चोरी चमारी और मास बलात्कार और ये जंगजू और आतंकी एक्टिविटी अगर कोई लेफ्ट फ्रंट की सरकार कर रही होती या कांग्रेस की सरकार यहाँ पर कर रही होती, तो एक माहौल अलग होता, एक माहौल बिल्कुल डिफरेंट होता। भारतीय जनता पार्टी को और सशक्त होने की जरूरत पश्चिम बंगाल में है, और छोटे से छोटा मुद्दा और बड़े से बड़े मुद्दे को रोड पर उतर करके, चिल्ला करके, अपनी आवाज के द्वारा मीडिया को और डिपार्टमेंट को जागरूक करने की जरूरत है कि तुम इसको इग्नोर मत करो, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। देखिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो को आपने अंत तक देखा होगा, और हमेशा की तरह अंजू पंकज जी और नाजिया राय खान जी का दमदार और बेबाक इंटरव्यू आपको काफी पसंद आया होगा, और इसमें आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। जैसे नाजिया खान जी ने कहा कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, चाहे संदेश खाली का मुद्दा हो या टीएमसी के नेताओं के घर से जो असला और बारूद मिल रहा है, उसमें हमने देखा वो अब ममता बनर्जी के गले की हड्डी बन चुके हैं। पर एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट नाजिया राय खान जी ने कही, जितने मुद्दे इस टाइम बीजेपी वालों के पास हैं, अगर ये मुद्दे ममता बनर्जी के पास होते, यानी ममता बनर्जी ऑपोजिशन में होती, तो इस टाइम तक वो पश्चिम बंगाल में आग लगा चुकी होती। पर हम कहेंगे कि बीजेपी की जो लीडरशिप है, खासकर पश्चिम बंगाल में, वो काफी ज्यादा कमजोर है। तो इसके बारे में आपके क्या विचार है, आप अपने विचार हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और एक बार फिर, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम आपकी किसी लेटेस्ट इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहें। तो चलिए फिर मिलेंगे ऐसी किसी दमदार वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।